मैं विश्वकर्मा देख रहे जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के अंतर्गत संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के डैम में प्रबंधक की लापरवाही से नियमों को ताक पर रखकर पावर प्लांट में उपयोग किए गए कोयले की राखर को डैम के पानी से बहाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा डैम का दूषित पानी उपयोग करने पर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मंडार के डैम का पानी डैम से निकलकर विभिन्न नदियों से मिलता है, जिसका प्रयोग वन जीव एवं पालतू मवेशिया सहित आम नागरिक भी करते हैं। मंडार परियोजना प्रबंधक द्वारा राखड़ को डैम से बाहर निकालने के लिए ठेकेदार को लाखों रुपए का ठेका दिया गया, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा काम में लापरवाही बरतते हुए भारी बारिश का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि डैम में पानी भर जाए और वह काम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए। इस पूरे मामले में संजय गांधी ताप विद्युत मठार परियोजना के प्रबंधक ने जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वही जिले के कलेक्टर सर्वोचित सोमवंशी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ठेका दिए थे बरसात के समय, इनको पहले ठेका देना चाहिए कम से कम एक आध महीना पहले। अभी बरसात हुआ, एक हफ्ता पहले ठेका दिया, अभी पानी भर गया, पूरा राखड़ भी नहीं निकलता, मवेशी वगैरह उसी में से पानी पीते हैं, अंदर से राखड़ के साथ साथ वो प्रदूषित जो उनका डीजल का केमिकल वगैरह सब आते हैं पानी में, जानवर पीते हैं, आदमी भी पीना पड़ता है, तो इससे संक्रामक बीमारियां बरसात में और फैलने लगती है। इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पावर प्लांट प्रबंधन क्या कोई कार्रवाई नहीं करता? कोई कार्रवाई नहीं करता, वही करता है लीपापोती वाला काम। एक हफ्ता पहले ठेका दिए थे, थोड़ा राखड़ निकाल दिए, बस हो गया, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। फ्लाई ऐश के प्रबंधन में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का मैनेजमेंट विफल हो रहा है। बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश सड़कों में और जल स्रोतों में मिलाई जा रही है, जिसके कारण यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे जीव जंतुओं की स्पीसीज, वनस्पतियों की स्पीसीज खत्म हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आमतौर पर फ्लाई ऐश को सीधे फ्लाई ऐश के बांध में पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की वैज्ञानिक प्रविधि रही है, वो न करके अभी जो परिवहन किया जा रहा है उस परिवहन में खुली गाड़ियों पर फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा रहा है, जिसके कारण वो पूरे फ्लाई ऐश कई जगह पर उड़ते हुए जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो सड़क पर फैला देते हैं, या अभी वृक्ष बनाने के लिए जो फ्लाई ऐश ले जाई जा रही है तो वो भी खुली जगहों पर और सुरक्षा के और जो डिस्पोज करने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसका पालन न करते हुए सीधे डंप करते हैं, जिसके कारण वो जल स्रोतों में भी जा रहा है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है और इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने की जरूरत है। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मैंने SDM को तत्काल इसकी जांच करने के लिए, और अगर जांच सही पाई जाती है प्राथमिक दृष्टि से तो सेक्शन 133 CRPC में इसमें केस रजिस्टर करने के लिए निर्देश दिए हैं। जांच के पश्चात ही जो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा कार्रवाई में इसके पर मुश्किल है।